क्या बात हुई सौम्या से? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कल सौम्या से मिलने गई थी? चंदा, इतने दिनों में तुम्हें भी इतना तो जान ही चुकी हूं। कल गई थी ना वहां? हाँ दीदी, गई थी मैं। मुझे सौम्या की चिंता हो रही थी कि वो कहाँ है, कैसी है। आपको पता, मनिंदर ने तो उसे अपने घर में रखने से भी मना कर दिया। वो तो नानी थी कि उसे अपने घर लेकर गई, और थोड़ी ही देर में प्रीतो जी वहाँ आई और उसे अपने साथ अपने घर लेकर गई। वो कह रही थी कि अगर सौम्या के अपशगुन से उनके बेटे की ये हालत हुई है तो उसको ठीक करने में भी वही उनका साथ देगी। चंदा, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी मासूम होता है। अगर मासूमियत में वो आग को छू ले और हम ये समझ ले कि उसने मासूमियत में आग को छुआ है इसलिए उसके हाथ नहीं जलेंगे, ये तो हमारी गलती है ना। फिर बस ऐसे ही ये गलती सौम्या ने की है। अब गलती की है, भुगतनी भी तो उसे ही पड़ेगी ना। पर दीदी, प्रीतो जी ने बिल्कुल सही, प्रीतो जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि हरमन का इलाज भी सौम्या ही है। हाँ जी बाबू, बाबा जी ले आया। इस गांव के प्रसिद्ध माता का मंदिर जानती हो? ये जल से भरा घड़ा लो और नंगे पांव इस गांव की कुल देवी और ग्राम देवता के मंदिर में जाना है और वहां जल चढ़ाना है। और ध्यान रहे इस बात का कि ये घड़ा कहीं भी जमीन से छूने ना पाए। तुम मेरे साथ हरमन के पास चलो। जी। इधर उधर क्या देख रही है? आज हरमन नहीं आएगा तेरी मदद कर। अकेले गांव यूं अकेले क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या कह रहा हूँ, तद कुकर्म कर रही थी, चांदनी सोचा हूं कली हो गई। अब उसको तू प्यार करती है, उसके लिए तू एक मन्नत मांग लेगी, मंदिर तक कली है कड़ा उठा कर नहीं जा सकती। मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चिंटू जी, अभी आप छोटे हैं। मम्मी, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, आपके साथ चलूंगा मैं। ये तो हरक सिंह की बहू है। हाँ, इतनी नाजुक बहू है, हरक सिंह और प्रीतो ने ऐसे कैसे भेज दिया? ये तो बड़ी ज्यादती है। ज्यादती कैसी पाजी, ये दवा दुआ से जुड़ा कोई मसला होगा? अब बाबा जी भी तो आए हरक सिंह के घर, हरमंत की हालत देख कर, हो सकता है उन्होंने ये उपाय बताया। अब बेटे की बात है तो जी, जब से हरक की बहू आई है कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है घर में। पता नहीं कहां से उठा लाया ये सब शगुनी लड़की को। मम्मी, अब एक सेकंड रुको, अभी बताता हूँ। नहीं चिंटू जी, चलिए यहाँ से, चलिए। देख क्या हालत हो गई है तेरी, अब भी समय है तराना। सच समझ ले, हमारी दुनिया और उनकी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। आज झूठ मूठ के अपशगुन के नाम पे तुझे परेशान कर रहे हैं सब। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आज तुझसे घड़े का पानी ढुलवा रहे। इनके जीवन में कुछ भी बुरा होगा ना तो वो तुझे ही दोषी मानेंगे और ऐसे ही ताना देंगे और ऐसे ही फजूल की चीजें करवा करवा के तुझे परेशान कर देंगे और तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। और देख,
आज नहीं तो कल हरमन जी को तो देखा नहीं, और तूने तो हमारे साथ एरावन देवता की पूजा भी कर ली है, तो अगले जन्म में तो तुझे औरत बनना ही है। बस कर लेना हरमन जी से शादी और खुश रहना, पर इस जन्म में जो तू है वही बन के रह, ठीक है? तू खुद भी खुश रहेगी और उनके नाटक से परेशान भी नहीं करेंगे तेरे को, समझी? चिंटू जी ऐसा नहीं करते, डंडा फेंकिए। चिंटू जी प्लीज छोड़िए, चिंटू जी भागो, ये ऐसे नहीं तो मारूंगा। चिंटू जी इतना कुछ, चलिए चलिए ना। मेरा काम था इसे लाना, उसे लगाना ना लगाना आप जाने, और बाबा जी आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष लगते हैं, इसीलिए प्रीतो जी आपके सामने झोली फैलाई खड़ी है, लेकिन दुआ तो दुआ होती है ना, वो किसी मर्द औरत या किन्नर की खैरात नहीं होती।